दोस्तों आज हम बात करेंगे गदर एक्ट्रेस सिमरित कौर की। गदर 2 के बाद सिमरित कौर एक जानी पहचानी एक्ट्रेस बन गई। आज हम उनके गदर 2 तक पहुंचने की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि उनका नाम सेलेक्ट होने पर उन्हें क्यों ट्रोल किया गया, क्या है उनके वायरल वीडियो की सच्चाई और भी कई इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिमरित कौर की फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा एक भाई और एक बहन भी है। सिमरित ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई की ही एक कॉन्वेंट स्कूल से कंप्लीट की और इसके बाद उन्होंने डॉन बॉस टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। सिमरित बचपन से ही बॉलीवुड एक्टर्स बनना चाहती थी लेकिन उनकी फैमिली इस बात को लेकर हमेशा मना किया करती थी, लेकिन सिमरित का कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क देखते हुए उनकी फैमिली भी ये सब करवाने के लिए तैयार हो गई। सिमरित ने अपनी कॉलेज पढ़ाई के दौरान ही सोशल मीडिया पे वीडियो डालना शुरू कर दिया था। इनके शॉर्ट वीडियो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते थे, जिसके बाद इनको एक मॉडलिंग एजेंसी का ऑफर आया और वो मॉडलिंग करने लगी। सिमरित कौर एक परफेक्ट एक्ट्रेस मटेरियल थी, चाहे उनका फेस कट देखा जाए या उनका फिगर, जिस वजह से उन्हें बहुत ही जल्द 2017 में एक मूवी में काम करने का मौका मिला। सिमरित ने वहाँ ऑडिशन दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। ये मूवी थी प्रेमाथुमी कार्तिक। इस फिल्म से उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी के अंदर लीड एक्टर कार्तिकेय थे। इस मूवी के अंदर सिमरित की एक्टिंग और उनके लुक्स को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिसकी वजह से उन्हें और भी कई तेलुगु मूवीज के ऑफर आने लगे। उन्होंने साल 2018 में फिल्म परिचयम, हिंदी फिल्म सोनी, 2020 में तेलुगु फिल्म डर्टी हरी और 2022 में एक और फिल्म बंगार राजू में काम किया। साउथ इंडस्ट्री में मिली पहचान की वजह से ही इनको गदर 2 में काम करने का मौका मिला। साल 2020 में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इनको गदर 2 मूवी करने के लिए कॉल किया। ये मूवी करने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये मूवी मिलना इतना आसान नहीं होगा। उन्हें लगा कि उनका ऑडिशन किया जाएगा जिसमें और भी लड़कियां शामिल होंगी। सिमरन को जैसा लग रहा था वैसा हुआ भी। वहां पे उनके कई ऑडिशन और लुक टेस्ट किए गए, इसके बाद फाइनल रूप में उनका सिलेक्शन कर लिया गया। जब उन्हें कॉल करके बताया गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो वो खुशी उनकी देखने वाली थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी बड़ी मूवी में काम करने वाली हैं। जैसे ही ये बात सबके सामने आई तो इन्हें बहुत सारी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। इस ट्रोलिंग की वजह थी उनकी डर्टी हरी मूवी, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे। लोग डर्टी हरी फिल्म की क्लिप्स को एडिट करके पोस्ट कर रहे थे और उन्हें उनका वायरल MMS बता रहे थे, जिस वजह से गदर 2 के कई एक्ट्रेस और अमीषा पटेल ने उनका सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके पास्ट वर्क से उनको जज नहीं करना चाहिए। मूवी में सिमरित कौर ने एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की का किरदार निभाया है। गदर 2 मूवी बहुत ही ज्यादा हिट रही, जिसके बाद उनको ट्रोल करने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई और उनकी फैन फॉलोइंग और उनको पसंद करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए और अब वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी हैं। मूवी इतनी पसंद आ रही है, स्पेशली मुस्कान को मुस्कान भाभी बना दिया है, नेशनल क्रश ऑफ इंडिया बना दिया है, तो ये सब आपका प्यार है और ऐसे ही करते रहना सो दैट मुस्कान भाभी एक और मूवी कर ले। अब तो चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। सिमरित को गदर 2 के लिए 50 लाख रुपए दिए गए हैं। उनका गदर 2 में सिलेक्शन होने के बाद उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने 3 दिन तक घर पर बिल्कुल नहीं बताया। उन्हें लग रहा था कि ये रोल किसी और लड़की को दे दिया जाएगा, लेकिन जब डायरेक्टर अनिल शर्मा ने उन्हें समझाया, हमने तुम्हें फाइनलिस्ट चुन लिया है, हम अब किसी और लड़की की तलाश नहीं कर रहे, तब जाकर सिमरित को यकीन हुआ। क्योंकि ये मूवी बड़ी हाइप वाली मूवी थी, जिस वजह से सिमरित को लग रहा था कि अब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाली हैं। सिमरित ने कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है, जिसे बुर्ज खलीफा, लारा लप्पा और तेरे बिन जिंदगी। बात करें उनके रिलेशनशिप स्टेटस की तो फिलहाल वो सिंगल है और पास्ट में भी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी और बायोग्राफी सिमरित कौर की। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, साथ ही गदर 2 में आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।